फिर से स्वागत करते हैं नए एक वीडियो में। और आज इस वीडियो में आप लोगों को मैं ये बताऊंगा कि सिर्फ नंबर से आप किसी का भी फेसबुक जो प्रोफाइल है वो प्रोफाइल आप कैसे ढूंढेंगे। गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है, जैसे कि पहले हम जब फेसबुक पे किसी का नंबर जो है नंबर से अगर हम सर्च करते थे तो वो नंबर से उसका जो प्रोफाइल है प्रोफाइल दिखाई देता था। लेकिन अभी फिलहाल नंबर सर्च करने से कुछ भी यहाँ पे शो नहीं होता है। यहाँ पे सॉरी वी डिड नॉट फाइंड एनी रिजल्ट बोल के ऐसा कुछ ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है। तो आज गाइस आप लोगों से ये बताऊँगा कि एक ऐसा ऐप है जिस ऐप पर अगर आप नंबर से सर्च करेंगे तो उस व्यक्ति का प्रोफाइल फेसबुक प्रोफाइल तक आपको मतलब दिखाई देगा। ठीक है, तो वो ऐप बड़ी कमाल की ऐप है। सिर्फ यही नहीं गाइस, उस ऐप की मदद से आप उसका गैलरी का जो फोटो है वो फोटो भी देख सकते हैं। लेकिन वो फोटो जो दिखाता है वो 50% राइट दिखाता है और 50% गलत दिखाता है। तो मैं फिलहाल वो बातें इस वीडियो पर नहीं कर रहा हूँ। मैं फिलहाल ये बता रहा हूँ कि आप सिर्फ नंबर सेव करके गाइस उसका जो फेसबुक जो प्रोफाइल है वो फेसबुक प्रोफाइल आप कैसे देखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप मान लीजिए कि किसी भी नंबर आपके पास है पर आपको पता नहीं कि वो फेसबुक करता है कि नहीं, तो अगर आपके पास नंबर है तो आप उस ऐप की मदद से उसको एकदम फेसबुक प्रोफाइल तक जा सकते हैं। सो गाइस ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं वीडियो को से शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले गाइस आप लोगों को एक काम करना पड़ेगा, मैंने डिस्क्रिप्शन पर एक लिंक दे दिया, उस लिंक को आपको टच करते ही सीधे ऐप मिल जाएगा आइकन बोल के। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो ऐप, ये प्ले स्टोर में भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये वाला जो ऐप है गाइस, ये ऐप आपको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे कि आप ये ऐप इंस्टॉल हो जाएगा आपका, तो जब भी आप ये ओपन कर लोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का एक पेज आ जाएगा। तो पेज आ जाने के बाद गाइस यहाँ पे गेट स्टार्टेड बोल के जो ऑप्शन है गाइस यहाँ पे आपको हाथ देना है। दिन यहाँ पे हाथ देने के बाद गाइस यहाँ पे आपको जितना सारा परमिशन मांगेगा हर एक परमिशन आपको अलाउ कर देना है। तो मैं सबसे पहले गाइस ये जब जो परमिशन है मैंने परमिशन को अलाउ कर रहा हूँ। तो परमिशन आपके सामने जितना सारा परमिशन आ जाएगा वो हर एक परमिशन आपको अलाउ कर देना है। फिर परमिशन अलाउ कर देने के बाद गाइस आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर जो है गाइस मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल कर दिया, फिर यहाँ पे कनेक्ट बोल के जो ऑप्शन है गाइस यहाँ पे आपको कनेक्ट कर देना है। तो जैसे ही आप कनेक्ट कर दोगे गाइस ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। तो जैसे ही ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा दिस इज़ मी बोल के, तो यहाँ पे आपको हाथ देना है। तो जैसे आप यहाँ पे हाथ धोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का एक पेज आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको करना क्या है, मैं वो भी यहाँ पे बोल रहा हूँ। तो आपको अभी करना क्या है, ये थोड़ा प्रोसेसिंग का टाइम लेगा। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मतलब किसी का नंबर अगर आपके पास है तो उसका फोटो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और इस ऐप का गाइस और भी एक कमाल का मतलब फीचर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि कोई भी अगर आपको कॉल करेगा तो आपको मतलब उसका जो फोटो है वो फोटो आपको डायलर पे शो होगा। ठीक है, तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं गाइस ये जो डायलर पे गाइस शो हो रहा है, तो ये शो आपको होगा कोई भी अगर आपको कॉल करे तो। तो जैसे कि गाइस मैं यहाँ पे कोई भी एक नंबर दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं कोई भी एक नंबर दे रहा हूँ, तो कॉल लिस्ट से मैं यहाँ पे कोई भी एक नंबर दे रहा हूँ जो नंबर मुझे पता नहीं था। तो जैसे कि मैं गाइस यहाँ पे कोई भी एक नंबर दे रहा हूँ, यहाँ पे हर एक नंबर मेरा सेव है, तो जो नंबर सेव नहीं है मैं वैसे एक नंबर में यहाँ से देख लेता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक नंबर है, तो ये नंबर मुझे पता नहीं ये नंबर किसका है। तो मैंने ये वाला जो नंबर है ये नंबर मैंने यहाँ पे जो नंबर है ये नंबर मैं यहाँ पे देख के वो पे सर्च कर लेता हूँ। तो गाइस अभी आपको करना क्या है, यहाँ पे जो डायल पैड का ऑप्शन है गाइस डायल पैड ऑप्शन पे आपको हाथ देना है। फिर आपको वही मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको प्रेस करना है जिस मोबाइल नंबर का आप फेसबुक प्रोफाइल देखना चाहते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे दे रहा हूँ वही प्रोफाइल, तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा ये नंबर जो है गाइस नंबर यहाँ पे सेव नहीं है, तो नंबर मैंने यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पे डालने के बाद गाइस ऊपर में आप लोग यहाँ पे एक ऑप्शन देख सकते हैं सर्च बोल के, एक ऑप्शन यहाँ पे आप लोग ऊपर में देख सकते हैं, यहाँ पे सर्च बोल के एक ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपको हाथ देना है। देन गाइस जब भी आप यहाँ पे हाथ देंगे तो आपके सामने ये वाला जो प्रोफाइल है गाइस ये प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सिर्फ नंबर डाला, नंबर डालने के बाद गाइस इसका जो मतलब डिटेल्स है डिटेल्स यहाँ पे चलाया, इसका नाम है गाइस ज्योति, वो भी यहाँ पे दिखा रहा है। ये थोड़ा सा ऐड दिखा रहा है, ऐड आपको देख लेना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिर्फ नंबर देने से गाइस इसका जो नाम है नाम भी यहाँ पे शो हो रहा है। और अभी आपको करना क्या है गाइस, यहाँ पे आप और एक ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फेसबुक का एक ऑप्शन है, मतलब इस नंबर पे फेसबुक अकाउंट भी है। तो जैसे कि आप गाइस ये फेसबुक वाला जो ऑप्शन पे आप टच करोगे, तो फेसबुक वाला ऑप्शन पे टच करते ही ये सीधा उस नंबर का जो फेसबुक प्रोफाइल है ये फेसबुक प्रोफाइल तक आपको ले जाएगा। तो गाइस ये बहुत ही कमाल का ऐप है, कोई भी अननोन नंबर जो नंबर आपको पता नहीं है वो नंबर यहाँ पे डालने के साथ साथ गाइस उस नंबर का जो फेसबुक प्रोफाइल है वो प्रोफाइल तक आप बहुत आसानी से पहुँच जाएंगे। तो जैसे कि गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सिर्फ यहाँ पे नंबर डाला था, नंबर डालने के बाद गाइस ये सीधा एकदम वहाँ पे पहुँच गया। तो गाइस ऐसे सिर्फ आपको यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो नंबर देने का डायल पैड का ऑप्शन है गाइस यहाँ पे डायल पैड ऑप्शन पे हाथ देके गाइस कोई भी नंबर जो है गाइस नंबर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो जैसे कि गाइस यहाँ पे नंबर देने के बाद गाइस मैं और एक नंबर यहाँ पे दे दिया, तो देखते हैं इस नंबर पर मतलब यहाँ पे कौन सा नाम शो होता है। तो जैसे कि गाइस मैंने यहाँ पे और एक नया नंबर दे दिया, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका नाम जो है गाइस यहाँ पे नाम भी शो हो रहा है।
ठीक है। तो ये पे नाम भी शोर है, तो मतलब ये पे आपको इस नंबर से, सिर्फ नंबर डालने से गाइस आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी उस नंबर से। तो मुझे मतलब ये वाला जो ऐप है गाइस, ये वाला ऐप मुझे बहुत अच्छा लगा। इसे ये वाला ऐप आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। प्ले स्टोर में जाके गाइस आपको ये पे सर्च कर लेना है आइकॉन। तो जैसे कि गाइस यहाँ पे आपको आइकॉन लिखना है, आइकॉन लिखने के बाद गाइस सबसे ऊपर में जो वाला ऐप है, ये वाला ऐप आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो गाइस उम्मीद करते हैं ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर देना, और मिलते हैं अगले एक वीडियो पर।